Yes, we continue with the next lecture of higher purchase problems, which I have already completed. Question number 1 I have completed. Question number 3 I have done, as well as question number 4 with ledger accounts. क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये दो प्रॉब्लम है, मैंने सस्पेंस अकाउंट यूज कर लिया, ये मैंने सस्पेंस अकाउंट का करवा दिया तुमको. नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, एक स्टेटमेंट बना लो 8 लाइंस का. तुम आमने सामने के पेज पे हो गया. चेक करके बताओ, आर यू ऑन 2 फ्रंट साइड पेजेस? तो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड पेज पे आ जाओ. All of you come on the left hand side page. Question number 2. Question number 2. Write their schedule of payment. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट. प्रिपेयर इट फॉर 8 लाइन्स. शेड्यूल ऑफ पेमेंट, प्रिपेयर इट फॉर 8 लाइन्स. डेट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट is equal to installment. अगर बायर की बुक्स हो गए तो आगे डेप्रिसिएशन आ जाएगा. इफ इट इज बायर्स बुक, आगे डेप्रिसिएशन आ जाएगा. बंगाल कॉलरी कंपनी एग्रीज टू परचेज वैगन्स फ्रॉम वैगन्स लिमिटेड एंड इक्विपमेंट ऑन हायर परचेज. अमाउंट पेएबल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹10,000. अमाउंट पेएबल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एनुअल इंस्टॉलमेंट. ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10,000, इसका मतलब है डाउन पेमेंट कुछ नहीं है. देर इज नो डाउन पेमेंट, खाली 5 इंस्टॉलमेंट है. फर्स्ट ईयर का एंड पे पहला 10,000 देना है. फर्स्ट ईयर के एंड पे पहला 10,000, सेकेंड ईयर के एंड पे सेकेंड 10,000, थर्ड ईयर के एंड पे 5 इंस्टॉलमेंट है 10,000, फोर्थ ईयर के एंड पे 10,000 एंड फिफ्थ ईयर एंड फर्दर 10,000. देर इज नो डाउन पेमेंट गिवन. सो टोटल 50,000 की इंस्टॉलमेंट दे रही है. इन ऑल 50,000 की इंस्टॉलमेंट देनी है. आगे वैगन्स लिमिटेड विल चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% ऑन ईयरली बैलेंसेस. इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 4% पर एनम.
4% per annum is the rate of interest. Show payment schedule and ledger accounts in the books of buyer. The present value of rupee 1 per annum for 5 years is 4% at 4.4519. Take depreciation at the rate of 10% on SLM. ठीक है ना, डेप्रिसिएशन भी है, डेप्रिसिएशन एट 10% SLM, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और SLM बोला है तो हर साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहने वाला है. वी गेट बुक वैल्यू, वी गेट बुक वैल्यू और WDV. वी विल गेट बुक वैल्यू और WDV. बुक वैल्यू और WDV. सो दिस इज डन. अब अपने को यह प्रॉब्लम को कंप्लीट करना है. वी हैव टू कंप्लीट दिस प्रॉब्लम. नाउ मेरे को कॉस्ट चाहिए. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट? इसमें यहां तक देख के क्या लगा, कौन सा मेथड यूज करना है? यहां तक देख के क्या लगा, कौन सा मेथड यूज करना है? डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड? टेल मी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड. मेरे को आंसर्स चाहिए तुम्हारे, फटाफट आंसर्स दो. जो इंफॉर्मेशन दिख रहा है उससे क्या लग रहा है, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड? विच मेथड शुड बी यूज? वाई इनडायरेक्ट मेथड? इनडायरेक्ट मेथड इसलिए क्योंकि टोटल ऑफ कैश प्राइस इज नॉट गिवन. रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया है बट टोटल ऑफ कैश प्राइस इज नॉट गिवन. तो इनडायरेक्ट मेथड से तो आंसर आ सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम में उन्होंने कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बोल दिया है. क्या बोला है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी 1 पर एनम फॉर 5 ईयर्स इज 4.4519. हाँ, what is this exactly? मैं तुमको बताता हूं. अगर मैं इंटरेस्ट अगर मैं सीधा कैश प्राइस निकालो तो तुमको नहीं लगता ये एक साल के एंड पे दे रहा हूं, मतलब इसमें एक साल का इंटरेस्ट माइनस करूं तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी इसकी? ये अमाउंट में सेकेंड ईयर के एंड में दे रहा हूं, मतलब इसमें दो साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ, इसमें दो इंटरेस्ट हटाऊं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी. फिर ये वाला अमाउंट में थर्ड ईयर के एंड में दे रहा हूं तो इसमें तीन साल का इंटरेस्ट एडेड है, इसमें तीन साल का इंटरेस्ट हटाऊं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी. इसमें चार साल का इंटरेस्ट है वो हटाऊं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी. इसमें पांच साल का इंटरेस्ट है वो हटाऊं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी. तो सबकी प्रेजेंट वैल्यू मिलने का मतलब है, सबकी प्रेजेंट वैल्यू मिलने का मतलब है ये मिलना ना. अरे सबकी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल यही हुआ ना. हैव यू अंडरस्टूड? सो मैं नीचे एक वर्किंग बना लेता हूँ जिससे मैं सीधा कैश प्राइज ही ढूंढ रहा हूँ. मैं एक वर्किंग बना रहा हूँ उससे मैं सीधा कैश प्राइज ही निकाल रहा हूँ. मैं मेरे रेगुलर वर्किंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ. मैं नीचे तुमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कैश प्राइस निकाल के दिखा देता हूँ. लिखो नीचे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से वर्किंग नोट नंबर 1. राइट योर वर्किंग नोट नंबर 1. हाँ वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर.
फर्स्ट ईयर के एंड में क्या आउटफ्लो होने वाला है? 10,000 का आउटफ्लो होने वाला है। तो ये सब फ्यूचर वैल्यूज है। सेकेंड ईयर के एंड में 10,000 का आउटफ्लो होने वाला है, थर्ड ईयर के एंड में 10,000 का आउटफ्लो होने वाला है, फोर्थ ईयर के एंड में 10,000 का आउटफ्लो होने वाला है। क्योंकि मैं बायर हूं ना, तो मैं बोलूंगा आउटफ्लो, सेलर बोलेगा इनफ्लो होने वाला है। ये फर्स्ट ईयर के एंड में होने वाला है, उसमें मतलब एक साल का इंटरेस्ट है। सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 4%, 4% इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो जो इंटरेस्ट है वो हटा देते हैं। टाइप करो कैलकुलेटर पे, टाइप ऑन कैलकुलेटर। बोलो अपने को पीछे जाना है, अपने को फ्यूचर से प्रेजेंट में जाना है। अरे फ्यूचर से प्रेजेंट में जाना है तो बोलो क्या करोगे? 104/100 या 100/104? 4% इंटरेस्ट है, बोलो। अगर पास्ट में जाना है तो 100/104, 100/104 या 104/100, क्या बोलोगे? एवरीवन क्या बोलोगे? 104/100 या 100/104? मेरे को आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, धड़ाधड़ आंसर चाहिए। क्या करोगे? 100/104 या 104/100? विवेक जरा 104/100 करके आंसर आता है। विवेक 104/100 करके आंसर आता है। लास्ट लेक्चर बैठा नहीं था लगता, और बैठा तो तेरा दिमाग में गोबर भरा हुआ है, कुछ समझता नहीं है। ये जगह फ्यूचर से पास में जाते हैं तो अपना वन से कम वैल्यू आना चाहिए, वन से कम वैल्यू आना चाहिए। यस टेल मी 104/100 या 100/104, फटाफट बोलो क्या करना है अपने को? 100/104, सो ये आ गया एक साल का, जो एक साल के बाद एक रुपया रहने वाला है, जो फर्स्ट ईयर के एंड में एक रुपया रहने वाला है, उसकी आज की वैल्यू है, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग की वैल्यू है 0.9651। चार डेसिमल लेते जाओ, मल्टीप्लाई साइन प्रेस करो, प्रेस मल्टीप्लाई साइन एंड इक्वल्स टू 0.924446, 55 है ना, इक्वल्स टू 888, क्या हो जाएगा? 99। इक्वल्स टू 0.85455, 0.8548। ये लो अपने को प्रेजेंट वैल्यूज मिल जाएगी, सब फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में आ जाएंगे। ये प्रेजेंट वैल्यू है, दिस इज बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। सब वैल्यू बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर पे आएगी। ये सब एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, एंड ऑफ सेकेंड ईयर में पैसा जाएगा, एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ फोर्थ ईयर, एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, ये सब एंड है, सब एंड है। हाँ क्या 9651 नहीं है क्या? 15 है, वापस देख लूँ। 100/104, 9615 है। चलो सबको फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में लेके आएंगे, 10,000 इंटू
9615 फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में आ गया 9615। नाइन टू फोर सिक्स, ट्रिपल एट नाइन, एट फाइव फोर एट, एट टू वन नाइन। सब में से इंटरेस्ट निकाल दिया, इसमें एक साल का इंटरेस्ट निकाला, इसमें दो साल का इंटरेस्ट निकाला, इसमें तीन साल का इंटरेस्ट, इसमें चार साल का और इसमें पांच साल का इंटरेस्ट निकाल दिया। अब सबको टोटल मार देंगे, 9615 प्लस 9246 प्लस 8889 प्लस 8548 प्लस 8219। आर यू गेटिंग 44517? Are you getting this value? या तो ऐसे कर सकते हो या फिर मैं क्या बोलता हूं, ये सब का टोटल मार लो, ये सब का टोटल मार लो, इन सब का टोटल मार लो, इंडिविजुअली 10,000 को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है ये सब का टोटल मारो, 0.9615 प्लस 0.9246 प्लस 0.8889 प्लस 0.8548 प्लस 0.8219, ये हो गया 4.4517। या तो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लो या फिर क्या करने का मालूम है, और इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स होते हैं ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलो या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, इनका जो टोटल होता है इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, PVAF। ये जो होते हैं इनको बोलते हैं PVF, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, और इसके टोटल को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। सो कैश प्राइस इज इक्वल टू एन्यूअल इंस्टॉलमेंट इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। कोई भी एक एनुअल इंस्टॉलमेंट ले लो 10,000, और ये इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में ही पॉसिबल है। एनुअल इंस्टॉलमेंट अगर बदलती है तो ये तरीके से नहीं हो सकता, ये और वाला तरीका यूज नहीं कर सकते हो। अगर इंस्टॉलमेंट सेम नहीं होती, यहां पे इंस्टॉलमेंट 10,000 है ना, इसलिए ये पॉसिबल है सेकेंड चॉइस। अगर इंस्टॉलमेंट सेम नहीं हो तो ये सेकेंड वाला चॉइस पॉसिबल नहीं है। और 10,000 इंटू 4.4517, so you'll get the same 44,517. You'll get same 44,517. Have you all got it? So अगर तुमको equal installments दे रखा है, equal installments दे रखा है, तो directly cash price ये तरीके से भी आ सकता है। अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स दे रखा है तो डायरेक्टली कैश प्राइस ये तरीके से भी आ सकता है। हाँ, यू कैन गेट कैश प्राइस बाय दिस मेथड आल्सो। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? बोलो, सबसे पहले समझ में आया क्या सब लोगों को? श्योर? सो मेरे को कैश प्राइस का टोटल मिल गया। अच्छा, इनका प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर क्या है? 4.4519। मेरा और उनके आंसर में सिर्फ 2 रुपये का फर्क है, और मैंने 4 डेसिमल्स तक प्रॉपरली लिया है, तुम्हारे सामने टोटल मारा है, ठीक है ना? सो 4.5 बस अपना 2 रुपये का फर्क है, 44,517 उनका 519 आता है। ये लो 44,517। अब तुमको नहीं लगता तुमको कैश प्राइस मिल गया? अरे तुमको नहीं मिलता, लगता है कि तुमको कैश प्राइस का टोटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों मिल गया?
कैश प्राइस का टोटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों मिल गया तो हम लोगों को डायरेक्ट मेथड यूज कर लेना चाहिए, वी कैन यूज डायरेक्ट मेथड, बोलो यस और नो। तो तुम बोलोगे सर ये तो हर प्रॉब्लम को हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू से, यस यू कैन। सर इनडायरेक्ट मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। अगर तुम लोग ये वाला तरीका फॉलो करते हो तो हर एक प्रॉब्लम में तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, और प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट द टोटल ऑफ कैश प्राइस, और डायरेक्ट मेथड से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वर्किंग नोट नंबर टू, वर्किंग नोट नंबर टू, डायरेक्ट मेथड। डिफरेंस निकाल लो, इंटरेस्ट मिल जाएगा 50,000। माइनस 44,517,5483। अगर अपने को टोटल मालूम है तो 4 साल का ही निकालना है, लास्ट ईयर तो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ये लास्ट ईयर तो बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। चलो सबसे पहले लिखेंगे, टोटल ऑफ कैश प्राइस 44,517, कोई डाउन पेमेंट नहीं है तो पहला इंटरेस्ट इसी पे, माइनस डाउन पेमेंट करते, देर इज नो डाउन पेमेंट। सो पहला 4% इसी पे, 44,517 इंटू 4% 1781। अब ये 8219 माइनस होएगा, माइनस 36,298, 4% 1452, लिखो 1452, 10,000 माइनस 8548, 8548 माइनस होगा, 8548, 36,298 माइनस 8548, 27,750, 4% ऑन दिस 1,110, 8890। अब 8890 माइनस होगा, 8890 18,860 4%
754. ₹10,000 माइनस 754 9246. बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ना, अभी तो हम लोग लास्ट ईयर में आ गए, अभी इसके आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. No need to calculate further. We can take it as balancing figure. 44,517 minus 8,219 minus 8,548 minus 8,890 9,246. Is it 9,614? Check करके बताओ. नाइन सिक्स वन फोर माइनस 10,000 यू गेट अ डिफरेंस ऑफ 386. 386 बोलो, ये पूरा चक्कर समझ में आएगा? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ये पूरा चक्कर समझा तुमको? जो मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया है ये तुमको समझ में आया? लास्ट लेक्चर पूरा डिस्काउंटिंग पे था, मैंने कोई नोट्स नहीं लिखा है, वो एक प्योर अंडरस्टैंडिंग है. प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना और फ्यूचर से प्रेजेंट में जाने की वो एक अंडरस्टैंडिंग है. मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में तुमको समझाया है. और मैं बता देता हूँ, एफएम के टीचर्स भी तुमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिर्फ कैलकुलेट करना सिखा देंगे. जितना मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, वो तुमको एफएम के टीचर्स भी नहीं बताएंगे व्हाई टाइम वैल्यू इज रिक्वायर्ड. बोलो कॉस्ट ऑफ एसेट क्या लेना है मेरे को? डेप्रिसिएशन के लिए व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ एसेट टेल मी. और मेरे को धड़ाधड़ आंसर चाहिए. व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ एसेट? कॉस्ट ऑफ एसेट इज 44,517 और एसएलए में 10%. तो एसएलए में तो अमाउंट चेंज होता ही नहीं है. इसका 10% विल बी 4452. पांच साल है 4452. इंटू 5 years माइनस 44,517 सो 22,257. लास्ट में ये वैल्यू बचनी चाहिए 22,257. 4451 के बाद में पॉइंट के बाद में 5 आता है ना. 4451.7 आता है तो 4452 होएगा. अमन राउंडिंग ऑफ स्कूल में सिखाया जाता है ना. स्कूल में राउंडिंग ऑफ सिखाया जाता है. सीए बनने के टाइम पे राउंडिंग ऑफ नहीं सिखाते, वो यूज करते. आगे देखो, अभी इसके बाद में हम लोग बायर की बुक्स बनानी है. वी हैव टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ बायर. वैसे बायर के बुक्स में मैक्सिमम 4 अकाउंट बन सकते हैं. एसेट, क्रेडिटर फॉर एसेट, एसेट अकाउंट, क्रेडिटर फॉर एसेट अकाउंट, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन. इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को तुम इग्नोर करो. इग्नोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, ये दो अकाउंट को तुम इग्नोर करो. इग्नोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट और हम लोग एसेट एंड क्रेडिटर फॉर एसेट बना लेंगे. सामने वाले पेज पे जाओ. ऑन द रेड लाइन 5 साल है तो 15 लाइन का एसेट अकाउंट. इन द बुक्स ऑफ बायर इन द बुक्स ऑफ बायर पहला 3 लाइन फर्स्ट ईयर के लिए,
नेक्स्ट थ्री लाइंस सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर, दिस इज फोर्थ ईयर एंड दिस इज फिफ्थ ईयर. फिफ्थ ईयर in the books of a buyer, asset account, and below that creditor for asset account for first year mein four lines ki zarurat nahi hai kyunki is bar down payment nahi hai. Down payment hota hai na, to first year mein four lines ki zarurat hoti hai. Isme bhi 15 line mein kaam ho jayega. थ्री लाइन्स फॉर फर्स्ट ईयर, पाँच साल का प्रॉब्लम है, हर एक ईयर के लिए थ्री लाइन्स, सेकेंड ईयर का थ्री लाइन्स, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड दिस इज फिफ्थ ईयर. दिस इज फिफ्थ ईयर, बराबर बैठ गया. मैंने डेट की कॉलम ही नहीं बनाई क्योंकि इस बार डेट सही नहीं मेरे पास. ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर बोल रखा है. ये लो. हमारा लेजर्स तैयार है. बायर के बुक्स में पहली एंट्री, बायर के बुक्स में पहली एंट्री इसके लिए आएगी 44,517. बता सकते हो क्या एंट्री आएगी बायर के बुक्स में? पहली एंट्री 44,517. बता सकते हो क्या एंट्री आएगी? यस, टेल मी व्हाट एंट्री शुड बी पास्ड. Everyone, what entry should be passed? Asset account. Yes, everyone, I want the entry to be passed. It's not a request. You have to give the, it's your moral responsibility whenever any question is asked. What will be the first entry in the books of buyer for this 44,517? Ye 44,517 ke liye pehli entry kya pass karoge? Bolo sab log. What entry should be passed? Asset account debit to creditor for asset. Asset account debit. Asset account debit to creditor for asset account. Seven and creditor for asset may buy asset account forty four thousand five one seven. फिर आता है डाउन पेमेंट. तो डाउन पेमेंट तो कुछ है ही नहीं. अरे डाउन पेमेंट तो कुछ है ही नहीं तो होता तो डाउन पेमेंट की एंट्री पास करते. अब ये कॉलम को भूल जाना,
ये कॉलम से कोई एंट्री नहीं आने वाली है, सीधा एंड ऑफ द ईयर में चले गए, बोलो ये 1781 इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। इंटरेस्ट बायर के लिए इनकम होता है कि एक्सपेंसेस होता है? फॉर द बायर इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, एन एंट्री विल बी इंटरेस्ट, एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर एसेट। इंटरेस्ट अकाउंट तो बनाया नहीं है, क्रेडिटर फॉर एसेट बनाया है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर एसेट, तो क्रेडिटर फॉर एसेट के क्रेडिट में लिख दो बाय इंटरेस्ट। कोई मेरे को अमाउंट बताओ क्या अमाउंट है, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट की अमाउंट बताओ, व्हाट इज द अमाउंट? 1781। उसके बाद में बाजू वाले कॉलम में पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 10,000, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 10,000, बोलो क्या एंट्री बनेगी? पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट की एंट्री बताओ, फटाफट एंट्री बताओ। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, क्रेडिटर फॉर एसेट टू कैश बैंक, क्रेडिटर फॉर एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 10,000। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन के, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो एसेट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 4452। और मैं तो बोलता हूँ ये हर साल में सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन है, बाय डेप्रिसिएशन 4452 बाय डेप्रिसिएशन 4452 ये लो हर साल का डेप्रिसिएशन लिख दिया मैंने। एसेट अकाउंट को सिर्फ क्लोज करते जाना है, 5 साल का एसेट अकाउंट बन गया 44,517 माइनस 4452 दैट गिव्स यू 40,065। बाय बैलेंस सीडी एंड टू बैलेंस बीडी 40,065। माइनस 4452 दैट इज 35,613। बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी 35,613 माइनस 4452 31,161 सो 31,161 बाय बैलेंस सीडी
26709. To balance BD. By depreciation account, 4452 22257. $22,257 by balance CD. So this is done. Creditor for asset ko first year ko close karo. 44517 plus 1781 46298. Minus 10,000, 36,298. To balance CD. By balance BD. अब इसमें भी ऐसा ही by interest and to cash bank. जो फर्स्ट ईयर में लिखा था बाय इंटरेस्ट टू कैश बैंक, हर साल में यही तो आने वाला है. और टू कैश बैंक के बाद में आ जाएगा टू बैलेंस सीडी. जो बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी. सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स फॉर एसेट और डेबिट साइड में आ जाएगा क्रेडिटर फॉर एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. क्रेडिटर फॉर एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. टू बैलेंस सी डी. एंड बाय बैलेंस बी डी. फिर से इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बिकॉज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर एसेट एंड क्रेडिटर फॉर एसेट अकाउंट डेबिट टू to cash bank account. To balance CD. By balance BD. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर एसेट एंड क्रेडिटर फॉर एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. एंड टू बैलेंस सीडी. ये लो मैंने तैयारी कर ली. एक फर्स्ट ईयर लिखने के बाद में मेरे को मालूम पड़ गया. मेरे को जरा लाइन से इंटरेस्ट बताते जाओ. सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1452 111 0. बोलो नेक्स्ट इंटरेस्ट 1110 के बाद अगला इंटरेस्ट बोलो.
754, उसके बाद अगला इंटरेस्ट बोलो 386, और पेमेंट तो हर बार 10,000 का ही है। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट तो हर बार का 10,000 का ही है। खाली लास्ट में देखना, ये क्लोजिंग बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए। सो 36,298 प्लस 1,452, दैट इज 37,750। So that gives you 27,750 लिख दिया क्या? अरे बराबर है क्या? Is that clear? So 27,750 को इधर ले लो, प्लस 1,110, so this is 18,860 plus 754, 29,614. So this is 19,614 So 19,614 will become opening balance. Plus 386. That gives us 20,000. एक साल हो रहा है क्या? क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? यहां पे गड़बड़ कर दिया ना? 18,860 प्लस 754, दिस इज 19,614. So this will become 9,614 plus 386 will give us 10,000. ये लो टैली हो गया। हाँ, कुछ मिस्टेक होती है तो ऑटोमेटिकली अपने को ही मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि आगे जाके आंसर्स मैच नहीं होंगे। चलो, दिस इज डन। सो मैंने कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और इस बार प्रॉब्लम को टाइम वैल्यू ऑफ मनी से सॉल्व किया है। कैश प्राइस का टोटल कोई इनडायरेक्ट मेथड से नहीं निकाला मैंने, कोई इनडायरेक्ट मेथड नहीं फॉलो किया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सब में से इंटरेस्ट हटा के प्रेजेंट वैल्यू निकाली, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल मार दिया, वो कैश प्राइस है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है फर्स्ट ईयर के एंड में जो पेमेंट हुआ है उसमें एक साल का इंटरेस्ट है, वो एक साल का इंटरेस्ट हटाया, और वो इंटरेस्ट हटाने के लिए मैंने 1 रुपए की वैल्यू को डिस्काउंट किया। अगर 1 साल के बाद 1 रुपया बनता है तो 1 साल के पहले वो 1 रुपया नहीं, 0.9615 पैसा है। अगर 2 साल के बाद 1 रुपया बनता है तो आज फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में, सेकेंड ईयर के एंड में अगर 1 रुपया बनता है तो आज फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में वो 0.9246 पैसा है। थर्ड ईयर के एंड में अगर 1 रुपया है तो आज फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में वो 8889 है।
फोर्थ ईयर के एंड में अगर एक रुपया है 0.85, तो आज उसकी वैल्यू फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में 0.8548 है। फिफ्थ ईयर के एंड में अगर एक रुपया है, फिफ्थ ईयर के एंड में अगर एक रुपया है, तो आज फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में उसकी वैल्यू 8219 है, 8219 है। बोलो समझा क्या? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? सबको समझ में आया क्या? ये प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यूज जो मैंने कैलकुलेट की, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यह स्वयं वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया क्या तुम्हारा कंप्लीट? हैव यू कंप्लीटेड? और क्या चाहिए? फोर्थ ईयर चाहिए? किसको फोर्थ ईयर चाहिए? चलो फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर कंप्लीट करो, सो दैट आई कैन मूव फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन गो फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लो कॉपी कर लो। जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इवन क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अच्छा, फिफ्थ और सिक्स्थ है, ये रिपोजिशन के प्रॉब्लम्स है, ये अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये दोनों क्वेश्चन रिपोजिशन के, ये अभी नहीं करेंगे। इसमें बायर डिफॉल्ट करता है रिपोजिशन। और क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है मेरा, 9th हो गया है, और 10th वाला प्रॉब्लम भी रिपोजिशन का है, और 11th और 12th को क्रॉस करना, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने कैंसिल कर दिए। क्वेश्चन 11th और 12th ये दोनों क्रॉस कर देना, बोथ द क्वेश्चंस आई हैव कैंसल्ड, बोथ द क्वेश्चंस वी वोंट बी डूइंग इट। सो आप चले जाओ क्वेश्चन नंबर 7th पे। ऑल ऑफ यू गो टू क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7, यू आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड पेज। लिखो शेड्यूल ऑफ पेमेंट। एट लाइंस का बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। प्रिपेयर इट फॉर 8 लाइन्स। डेट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। डेट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऑल ऑफ यू मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Happy Valley Florist Limited acquired a delivery van on hire purchase on 1st April 2011. So 1st April 2011 is the first date.
From Ganesh Enterprises, the terms were as follows. Higher purchase price का मतलब होता है total of installment. Higher purchase price का मतलब होता है total of installment. Down payment 30,000. डाउन पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. इंस्टॉलमेंट पेबल आफ्टर वन ईयर. फर्स्ट ईयर के एंड में ये 50,000 है. फर्स्ट ईयर के एंड में अगर ये 50,000 है तो इसको कैश प्राइस के कॉलम में लिखूं या इंस्टॉलमेंट के कॉलम में? पेबल आफ्टर वन ईयर. सो फर्स्ट ईयर के एंड में अगर है तो कैश प्राइस के कॉलम में लिखूं या इंस्टॉलमेंट के कॉलम में? डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट के कॉलम है, क्योंकि पेएबल आफ्टर वन ईयर तो उसमें इंटरेस्ट ऐड हो चुका है. 50,000 सेकेंड ईयर में भी 50,000. पेबल आफ्टर वन ईयर बोला, इसका मतलब ये होगा 31st March 13 31st March 14 31st March 15. देख लो ये 180 आता है. 50 प्लस 50 इज 1 लाख प्लस 30 प्लस 20 इज अगेन 15 1 लाख 50 प्लस 30 ये हो गया 1,80,000. दिस इज 1,80,000. कैश प्राइस ऑफ द वैन इज 1,50,000 एंड डेप्रिसिएशन 10% WDV. ये लो कैश प्राइस भी दे दिया. कैश प्राइस दे दिया. और डेप्रिसिएशन बोला हुआ है एट द रेट ऑफ 10% WDV. तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इज 1,50,000. Original cost of asset is 1,50,000. If you remember your topic, AS 10 अगर तुमको याद है तो AS 10 में हायर परचेज का पार्ट समझाया था मैंने. इनिशियल रिकॉग्निशन में AS 10 में मैंने तुमको हायर परचेज समझाया था और हायर परचेज में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए थे. मैंने हायर परचेज में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था इनिशियल रिकॉग्निशन में. मैं तुम लोगों को खाली एक नोट लिखा दिया था मैंने. अब वो नोट समझ में आएगा. देखो क्या नोट दिया था. कॉस्ट ऑफ एसेट शुड बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू कैश प्राइस ऑफ एसेट दैट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. बोलो ये पॉइंट समझा. Cost of asset should be considered as cost price of asset, cash price of asset. ये रहा cash price of asset. इसमें कोई interest नहीं है. 180 में से interest हटा के मिलता है cash price. 1,80,000 में से interest हटा के मिलता है cash price और वही asset का cost होता है. वही asset का cost होता है. बोलो समझा कि नहीं. वही asset का cost होता है. और क्या बोला था उसमें. इफ एनी इंटरेस्ट इज पेड देन इट विल बी डेबिटेड टू PNL अकाउंट. हर साल इंटरेस्ट PNL में लेके जाते हैं ना. हर साल ओवर द क्रेडिट पीरियड. ओवर द क्रेडिट पीरियड. और एकदम क्लियरली लिखा दिया. रिफर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10
of higher purchase for practical examples. Why I should do practical examples again here? जब मेरे पास हायर परचेज एक सेपरेट टॉपिक है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करने के लिए. हाँ, मैं तो सीए फाइनल के भी मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, पहले हायर परचेज टॉपिक कर लो बिफोर स्टार्टिंग सीए फाइनल. सीए फाइनल लेक्चर शुरू करने के पहले हायर परचेज और एएस 19 लीज अकाउंटिंग कर लो, ये दो टॉपिक कर लो, फिर सीए फाइनल बहुत मजे से जाएगा. हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट डिफर्ड पेमेंट का कॉन्सेप्ट आता है और यही सारे पॉइंट्स है. और इतना ही नहीं, ये देखो आज तुमको ये भी समझेगा. ये जो वर्किंग बनाई थी ना मैंने, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग एक्सपेंसेस, अब तुमको समझेगा. मैं बताता हूँ, देखो ये प्रेजेंट वैल्यू मैंने कैसे निकाली. 5 साल के बाद 50 लाख रुपया देने का था, तो 5 साल के बाद जो 1 रुपया है वो आज क्या है. जो 5 साल के बाद 1 रुपया है आज उसकी वैल्यू क्या है. जो 5 साल के बाद 1 रुपया है आज का मतलब है ये ओपनिंग बैलेंस. बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर में उसकी क्या वैल्यू है, तो उसके लिए मैंने 5 साल में से इंटरेस्ट निकालना चालू किया. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया था, 100 डिवाइड बाय 110, ये लो, ये पहले साल का इंटरेस्ट निकाल दिया. 1 साल का इंटरेस्ट निकाला तो 1 रुपए की वैल्यू 0.9090 हुई. ये 2 साल का इंटरेस्ट हटा दिया, ये 3 साल का इंटरेस्ट, ये 4 साल का इंटरेस्ट, ये 5 साल का इंटरेस्ट. जो 5 साल के बाद 1 रुपया बनने वाला है आज वो खाली 0.621 पैसा है. राउंड ऑफ करूं तो आज वो खाली 0.621 पैसा है. बोलो समझा क्या. तो 50 लाख इंटू 0.621 तो अपने को ये वैल्यू मिल गई. समझा क्या. नहीं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी. उस दिन इतना नहीं समझा था तुमको, लेकिन आज तुमको टाइम वैल्यू मनी मालूम है. तो जो 5 साल के बाद 50 लाख रुपया बनने वाला है आज उसकी कीमत कितनी. तो वो 50 लाख रुपए में से 5 साल का इंटरेस्ट हटाया और 50 लाख को वो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया 0.621 और फिर उसको बढ़ाते चले गए. हर साल का उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऐड करते गए. क्लोजिंग बैलेंस मिला, वो ओपनिंग बैलेंस बना अगले साल के लिए. फिर उस पर इंटरेस्ट 10%, जो इंटरेस्ट हटाया था फिर से इंटरेस्ट ऐड करने लगे. क्लोजिंग बैलेंस आया, वो ओपनिंग बैलेंस बना, फिर इंटरेस्ट ऐड किया. क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट ईयर. फिर इस पर 4132 पे और इंटरेस्ट ऐड किया, ये क्लोजिंग बैलेंस आया, दैट बिकम्स ओपनिंग बैलेंस. लास्ट ईयर के इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर कर दिया. हाँ, लास्ट वाले को खाली बैलेंसिंग फिगर कर दिया. इफ आई टेक ऑल डेसिमल्स तो मेरे को एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा. मैं तुमको बता देता हूं. इफ आई टेक ऑल डेसिमल्स इनटू 50 लाख, मैंने तो 3 डेसिमल्स ही लिया था. अगर मैं ऑल डेसिमल्स लू तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी 31 लाख. 31 लाख 5000 नहीं, 31 लाख 4606. अब इस पर 10% ऐड करते जाता हूं, प्लस 10% फर्स्ट ईयर का, प्लस 10% सेकेंड ईयर का, प्लस 10% थर्ड ईयर का, प्लस 10% फोर्थ ईयर का, एंड प्लस 10% फिफ्थ ईयर का. लो फिर से 50 लाख हो गया. 50 लाख को रिड्यूस करके फिर से 50 लाख बना दिया. समझा क्या. नहीं, एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट. डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग समझा क्या. हैव यू अंडरस्टूड डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग. अच्छा, मैं कंपाउंडिंग ऐसा 50 लाख वो ऐड करके मैं डायरेक्टली 50 लाख भी निकाल सकता हूँ कंपाउंडिंग. छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे. जितना समझ में आ गया उतनी बड़ी चीज.
सो मैंने आज तुम लोगों को ये हायर परचेज भी समझा दिया और प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग एक्सपेंसेस भी, क्योंकि उस दिन नहीं आता था तुमको, आज तुमको आता है. ऑन दैट डेट यू वेर नॉट नोइंग ऑल दिस एंड बट टुडे यू नो ऑल दिस. चलो यहां तक हो गया मेरा कैश प्राइस और 10% WDV से हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं. 4 साल का डेप्रिसिएशन है माइनस डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर. बुक वैल्यू इसी को WDV बोलते हैं, इसी को कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं. इसी को कैरिंग अमाउंट भी बोला जाता है. सो 1,50,000 का 10% पहला साल हो जाएगा 15,000. सो वैल्यू बचेगी 1,35,000 इंटू 10% विल बी 13,500. और ये 13,500 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 1,21,500 इंटू 10% 12,150. और ये 12,150 को हम लोग एसेट की वैल्यू से माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगा 1,09,350 इंटू 10% 10,935 इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 98,415. ये लो बन गया. अब आगे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में आगे क्या बोल रहे हैं ये लोग, तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट. टोटल इंटरेस्ट तो अभी निकाल लेता हूँ, निकाल ही लिया मैंने. 30,000 का टोटल इंटरेस्ट है वो तो निकाल लिया, लेकिन बोलते हैं ऑल्सो कैलकुलेट इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट. इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट बोला ये भी निकालो. हाँ निकाल लेंगे ना. उसके बाद में बोलते हैं प्रिपेयर एसेट अकाउंट क्रेडिटर फॉर एसेट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बायर. इन द बुक्स ऑफ बायर एसेट अकाउंट एंड क्रेडिटर फॉर एसेट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बायर. इन द बुक्स ऑफ बायर 31st. क्यों मेरा कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? एक्वायर किया था 1 अप्रैल 2011 को, तो 12 को पहला साल खत्म होएगा बराबर है, 13 को दूसरा, 14 एंड 15. ठीक 31st मार्च 14 तक ही बोला है, एक साल कम बोला है करने के लिए. ठीक है कर देंगे ना, वो तो क्या है. अब मेरे को कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया उन लोग ने, प्रॉब्लम ही खत्म हो गया. अरे प्रॉब्लम ही खत्म हो गया. मैं डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड कब फॉलो करता हूँ? जब टोटल ऑफ कैश प्राइस दी होती है. ये टोटल ऑफ कैश प्राइस चाहिए अपने को, तो टोटल ऑफ कैश प्राइस तो है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो चाहिए. यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है. पूरा प्रॉब्लम पढ़ लिया, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मिसिंग है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग. लेकिन उन्होंने मेरे को ना 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और उससे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दे रखा है. बोलते 6% और 12%, ये 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और इनका डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इंटरेस्ट हटा के प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है. तुमको एक चीज मालूम है ना, इसमें से अगर हम लोग इंटरेस्ट हटाएंगे तो अपने को ये मिलेगा. एम आई करेक्ट और नॉट? तो हम लोग 6% से देख लेते हैं
हम लोग 6% से प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखते हैं, अगर हमको 1.5 लाख रुपए आ गया तो हम लोग बोलेंगे 6% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोला? हम लोग 6% से चेक करते हैं, 6% जो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है वो मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1.5 लाख आता है क्या। अगर नहीं आया तो 12% की प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है उससे चेक करेंगे। अगर 6% से प्रेजेंट वैल्यू निकाल के 1.5 लाख आ गया तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 6%, और 12% से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और 1.5 लाख रुपए आ गया, क्योंकि 1.5 लाख रुपया तो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है, तो हम बोलेंगे 12% इज अवर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिलेक्शन करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। बोलो बच्चों, समझा क्या तुमको? मैं क्यों टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझा रहा था, क्योंकि आगे टॉपिक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ गई और सीए फाइनल पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेस्ड है, तो तुमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिटेल में सीखना बहुत जरूरी है। और मैं सच्ची बताता हूँ, टीचर्स तुमको डिटेल में नहीं सिखाते, खाली तुमको कैलकुलेशन सिखा देते हैं। क्यों टाइम वैल्यू, उसका क्या इम्पैक्ट होता है? मैंने बताया तुमको, आज एक सामान खरीदता हूँ, अगर 5 साल के बाद वही सामान खरीदता हूँ तो पैसा तो सेम दिख रहा है पर उसकी परचेजिंग पावर गिर गई है। याद है लास्ट लेक्चर में समझाया था, 1000 का नोट आज है, 5 साल के बाद भी 1000 रुपया ही है, लेकिन आज 1000 रुपये में 10 यूनिट्स खरीद सकता हूँ, 5 साल के बाद वही 1000 यूनिट्स में सिर्फ 5 यूनिट्स खरीद पाऊंगा, तो कहाँ सेम हुआ? 1000 रुपया दिखने में सेम है, खाली दिख रहा सेम है, लेकिन उसकी वैल्यू सेम नहीं रही, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। आज मैं 10 यूनिट्स खरीद पा रहा था वही पैसे से, और 5 साल के बाद वही पैसे से सिर्फ 5 यूनिट्स खरीद पा रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू सेम नहीं है। तो अगर इसको बीट करना है तो पैसे को 10 यूनिट्स बना खरीदने के काबिल बनाना पड़ेगा। तो 1000 रुपये को मैं इन्वेस्ट करूँगा इन्फ्लेशन के रेट पे, जो रेट से इन्फ्लेशन चल रहा है वो रेट से अगर इन्वेस्ट करूँ तो 5 साल के बाद में 1000 रुपया अगर 2000 रुपया बन जाता है, तो 1000 रुपया 2000 एक्चुअली दिखने में अलग है लेकिन उनकी परचेजिंग पावर सेम है, तो मैं दोनों को इक्वल मानूंगा। दोनों की परचेजिंग पावर सेम है तो मैं उनको इक्वल मानूंगा। मैं बोलूंगा भले ही शक्ल अलग है, ये 1000 है, ये 1 के आगे 3 0 है, वहां पे 2 के आगे 3 0 है, बट इनकी परचेजिंग पावर सेम है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनको इक्वल मानता है। 1000 रुपया जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी फ्यूचर वैल्यू 2000 है। कोई तुमको बेवकूफ़ बनाने की ट्राई करे, कोई तुमको बेवकूफ़ बनाने की अगर ट्राई करे, बेवकूफ़ कैसे बनाने का ट्राई करे कि ये जो 1000 रुपया है मेरे को दे दो, 5 साल के बाद 2000 रुपया देता हूँ, तो हम लोग बोलेंगे तुमने कुछ नहीं दिया, मेरे को 1000 रुपया दिया, 1 रुपया भी ज़्यादा बढ़ा के नहीं दिया, 1 रुपया भी बढ़ा के नहीं दिया। बोलो समझा क्या विवेक? जब मैं कोई चीज़ समझाता हूँ ना तो बीच में होशियारी नहीं करने का, इसको होशियारी बोलते हैं, तेरे को होशियारी नहीं करने का, मैं जो बोलता हूँ वो सुनने का, मेरा एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इडियट आई एम स्पीकिंग टू यू, ये है ना, ये होशियारी नहीं करने का। अगर मेरा डिस्कशन चल रहा है ना कोई चीज़ पे तो शांति से सुन ले, तेरी मैच्योरिटी लेवल इतनी नहीं है अभी तक। मैं आ जाऊँगा, मेरे को जो सिखाना मैं सिखा लूँगा, पहले सीखने को सीख। मैं इधर समझा रहा हूँ, इधर वो बता रहा है सर 12% ले लो, ये सब नखरेबाजी, होशियारी और कहीं पे। मैं जब समझाता हूँ तो शांति से सुनने का है। समझा क्या मैंने क्या बोला अभी? मैंने तेरे को क्या बोला वो समझ में आया क्या? यस आई एम स्पीकिंग टू यू। यस विवेक, यू हैव टू रेस्पॉन्ड, नहीं तो मैं निकाल दूंगा इधर से। ये बीच में 12% किधर से आया? तुम लोगों को पहले सीखने को सीखना पड़ेगा, मेरे से सीखने का कैसे?
या सी फर्दर नाउ. सो मेरे पास अब दो चॉइस है, आइदर 6% और 12%. और प्रेजेंट वैल्यू भी मेरे को नहीं कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करके दे रखी है. प्रेजेंट वैल्यू भी मेरे को नहीं कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके दे रखी है. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उन्होंने दे रखा है. मैं देखता हूं किससे मेरा आंसर 1.5 लाख आता है. जिससे मेरा आंसर 1.5 लाख आएगा वो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. लिखो वर्किंग नोट नंबर वन, वर्किंग नोट नंबर वन. 6% और ये दोनों से मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा. कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. जीरो ईयर का मतलब होता है आज की डेट. एक साल के बाद की डेट पे आफ्टर 365 ईयर वन आता है, उसके बाद 365 डेज के बाद ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर. हाँ, पहले मेरे पास है पीवीएफ एट द रेट ऑफ 6%. फर्स्ट ईयर में तो 1 रुपया, फर्स्ट ईयर में तो वैल्यू है, लेकिन सेकेंड ईयर में 1 रुपए की वैल्यू. फर्स्ट ईयर में तो 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपया ही रहेगी. सेकेंड ईयर का जो, सेकेंड ईयर के एंड में जो 1 रुपया था ईयर वन जीरो डेट पे, तो 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपया रहेगी. लेकिन फर्स्ट ईयर में जो 1 रुपया था उसकी वैल्यू आज है 0.9434. फर्स्ट ईयर के एंड में जो 1 रुपया था उसकी आज की वैल्यू, तभी तो इंटरेस्ट हटेगा ना. फिर उसके बाद में सेकेंड ईयर के एंड में जो 1 रुपया था उसकी आज की वैल्यू है 0.8900. थर्ड ईयर के एंड में जो 1 रुपया था उसकी आज की वैल्यू 0.8396. और फोर्थ ईयर के एंड में जो 1 रुपया था उसकी आज की वैल्यू 0.7912. एक मिनट, मैं ये 6% से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं. 6% से मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं. देखते 1.5 लाख रुपए आता है क्या. पहला 30,000 है, तो 30,000 इंटू 1 विल बी 30,000 ओनली. डाउन पेमेंट में तो कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है. दूसरी अमाउंट है 50,000, इंटू 0.9434, 47,170. तीसरी वैल्यू भी 50,000 है, 0.8900, 44,500, 44,500. फिर है 30,000, 30,000 इंटू 0.8396, 25,188. फिर 20,000,
into 0.79, 1 to 15,824. ₹30,000 plus ₹47,170 plus ₹44,500 plus ₹25,188 plus ₹15,824 है क्या? ₹15,824 right है क्या? बताओ जरा, चेक करके बताओ। 842 है क्या? एक बार चेक करके देख लो ना, ऑल ऑफ यू चेक वंस। 842 है ना? हाँ, सो मल्टीप्लाई का वो 15,842 है ना? मैंने 824 लिख दिया गलती से, लिख दो सब लोग, लिख दो 15,842. So minus 15,824 and plus 15,842. बोलो ये टोटल आया 1,62,700 आ गया। बोलो ये टोटल राइट है क्या? हमको आना चाहिए था 1.5 लाख, लेकिन 1.5 लाख, लेकिन ये तो 1,62,700 आ गया। ये तो 1,62,700 आ गया। सो दूसरे से देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 12% से देखते हैं। 12% से 1.5 लाख आता है क्या? फर्स्ट ईयर में तो जीरो डेट पे तो ₹1 की वैल्यू ₹1 ही है, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में जो ₹1 था, आज फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में उसकी वैल्यू है 0.8929। सो सबको डिस्काउंट करके फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में लाना है। फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में लाना है। हाँ, फिर ईयर टू के एंड में जो ₹1 है, आज डिस्काउंट करके ईयर वन में वो 0.7972 पैसा है। ईयर थ्री के एंड में जो ₹1 था, आज डिस्काउंट करके उसकी वैल्यू है 0.7118, इंटरेस्ट हटा के 0.7118 बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर में। और ईयर थ्री में जो ₹1, ईयर फोर में जो ₹1 था एंड ऑफ द ईयर में, उसमें 4 साल का इंटरेस्ट हटा दिया तो 0.6355 हो गई उसकी वैल्यू। चलो इसके इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू है 12%। थर्टी थाउजेंड ही रहेगा। दूसरा 50,000 है, 50,000 है, 30,000 है, 20,000 है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो 50,000 है इंटू 0.8929, इसकी वैल्यू हो जाएगी 44,645। सेकेंड ईयर के एंड में जो 50,000 है 0.7972, 39,860। फिर उसके बाद 30,000 into 0.7118, 21,354,
और लास्ट ईयर के एंड में जो 20,000 रुपया है उसको फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में लेके जाएंगे 6355, 12,710। देखते हैं इससे टोटल 1,50,000 रुपया होता है क्या। विल चेक वेदर वी गेट द टोटल एज 1,50,000। 12,170 प्लस 21,354 प्लस 39,860 प्लस 44,645 प्लस 30,000, ये 1,00,000 क्या यही आंसर आया क्या? 1,48,569 आया क्या? 1,48,569। अरे ये तो 1,50,000 से कम हो गया। 1,48,569 इसका मतलब एक 6% से तो 1,50,000 से ज्यादा आया और यहां पे कम आया, मतलब ये दोनों के बीच में कोई रेट है ना, 6% ना 12%, दोनों के बीच में कोई रेट है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी सेलर डिसाइड करता है, बायर नहीं। जो बेचने वाला, आज तुम लोन लेने को जाओगे तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेगा, तुम थोड़ी डिसाइड करोगे। तुम बोलोगे क्या, मैं तो 5% पे लूंगा, 2.5% पे लूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी लेंडर डिसाइड करता है। तो सेलर के लिए सब कैश इनफ्लोज है, ये सब इनफ्लोज है, और जो वो एसेट दे रहा है वो उसके लिए आउटफ्लो है। अरे ये सब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है। अगर 6% इंटरेस्ट चार्ज करता सेलर तो उसको 1,62,700 मिलता, और 12% इंटरेस्ट चार्ज करता तो उसको 1,48,569। लेकिन उसने जो एसेट दिया वो 1,50,000 रुपए का, एसेट का जो पैसा है वो 1,62,700, और जो एसेट गया उसको बोलते हैं आउटफ्लो, और उसका जो बैलेंस बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। इसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, अरे जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो, जहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो सेम हो जाए, वो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनफ्लो भी 1,50,000, आउटफ्लो एसेट दिया वो भी 1,50,000, उसके सामने जो इनफ्लो आया उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी 1,50,000, मतलब जितने का एसेट दिया इंटरेस्ट हटा के उतना पैसा आ गया। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्काउंट करके एग्जैक्ट अमाउंट आता है वो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन यहां पे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, यहाँ पे 12,700 ज्यादा आ रहा है, मतलब ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे तो 1,431 कम आ रहा है, ये दोनों भी मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। लेकिन मेरे को एक मालूम पड़ गया, एक में ज्यादा आ रहा है 1,50,000 से, एक में कम आ रहा है, इसका मतलब है मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में है। अरे अकाउंटिंग तो हमको आ गई, लेजर अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंटिंग कैसे करना है, वो टेबल कैसे यूज करना है, हम लोग उसके आगे बढ़ चुके, हम लोग उसके आगे के लेवल पे चले गए। किसी को भी तकलीफ नहीं है, सर कौन से लेजर बनाने हैं, लेजर में पोस्टिंग कैसे करना है, शेड्यूल ऑफ पेमेंट से कैसे एंट्रीज बनानी है, वो सबको आता है। हम तो उसके आगे के लेवल पे पहुंच गए। अब हमको ये मालूम है ये दोनों के बीच की कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये दोनों के बीच में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आंसर आएगा। अब वो कैसे निकालने का, एक फॉर्मूला देता हूं, एक फॉर्मूला दूंगा मैं। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे इनफ्लो और आउटफ्लो सेम हो जाता है उसको बोलते हैं आईआरआर, आईआरआर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये तुम्हारे एफएम के कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारे एफएम के कॉन्सेप्ट है। सो ये कैसे निकलेगा मैं बता देता हूं तुमको। आईआरआर मतलब वो रेट जहां पे इनफ्लो और आउटफ्लो सेम हो जाए, मेरे को मालूम है ये दोनों के बीच में कोई रेट है, उसका मैं फॉर्मूला दे रहा हूं और वो फॉर्मूला को मैं अप्लाई करूंगा, फॉर्मूला फॉर आईआरआर। आईआरआर इज इक्वल टू लोअर रेट, एलआर स्टैंड्स फॉर लोअर रेट, प्लस लोअर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू,
upon lower rate net present value minus higher rate net present value into difference of rate. इंटू डिफरेंस ऑफ रेट, ये फॉर्मूला को याद रख लेना, छाप लेना. ये इंटरपोलेशन तुम करोगे, जब तुम एफएम करोगे इंटरपोलेशन आएगा. इंटरपोलेशन से तुम लोग यही कैलकुलेट करना सीखोगे आईआरआर का रेट. ये उसका मैं फॉर्मूला दे रहा हूं. इंटरपोलेशन की टेक्निक लोग भूल जाते हैं, बट ये फॉर्मूला याद रह जाता है. मेरे 6% और 12% दोनों में से लोअर रेट है 6%. 6 लिखना कहीं पे भी, परसेंटेज साइन मत डाल देना. प्लस लोअर रेट का नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये 12,700. अपॉन लोअर रेट प्रेजेंट वैल्यू 12,700 माइनस, एक तो ये माइनस साइन और दूसरा ये भी माइनस ही है, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं माइनस 1431 इंटू डिफरेंस ऑफ रेट 12 माइनस 6. ये इसका एप्लीकेशन है. 6 प्लस, डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 12,700 प्लस 1431 दैट कम्स टू 14,131. 12,700 अपॉन 14,131 बराबर है क्या? 12,700 प्लस 1431 14,131 इंटू डिफरेंस ऑफ रेट इज 6. पहले इसको कैलकुलेट करना और फिर 6 के साथ प्लस कर देना. 12,700 डिवाइड बाय 14,131 इंटू 6, आंसर आया 5.39. तो 6 प्लस 5.39 इज इक्वल टू 11.39. ये लो, 6% और 12% के बीच की रेट मिल गई. ना 6% ना 12%, ना 6% ना 12%. ना 6% ना 12% दोनों के बीच की रेट. ये वो रेट है जहां पे इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों सेम हो जाएगा. इसको बोलते हैं आईआरआर. जैसे मैंने लोअर रेट से किया, मैं हायर रेट से भी कर सकता हूं. लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस, ये है ना. तो हायर रेट, हायर रेट, फिर जहां पे भी लोअर रेट लिखा है उधर हायर रेट एनपीवी अपॉन हायर रेट एनपीवी माइनस, आई मीन हायर रेट एनपीवी माइनस लोअर रेट एनपीवी इनटू डिफरेंस ऑफ रेट. घर पे ट्राई करके देख लेना, यू विल गेट द सेम आंसर 11.39. मैंने लोअर रेट से निकाला, तुम हायर रेट से भी निकाल सकते हो. आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट सेशन यही था. लेकिन ये सेशन समझने के लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी था ना, वो इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि तुमको प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यूज़, अगर इसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो ये वाला प्रॉब्लम तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के भारी था. आज तुमको ये मालूम पड़ गया कि प्रेजेंट वैल्यू से कैश प्राइज मिल सकता है, और दो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर दोनों से नहीं आया तो, और एक में ज़्यादा आ रहा है कैश प्राइस 1.5 लाख से ज़्यादा आ रहा है, एक में इंटरेस्ट हटा के वैल्यू 1.5 लाख से कम आ रहा है. इंटरेस्ट हटा के ही तो वैल्यू सही है. सो इसका मतलब है ये दोनों भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं. अगर एक में ज़्यादा आ रहा है 1.5 लाख से, एक में कम आ रहा है, मतलब ये दोनों के बीच की कोई रेट है. डेफिनेटली रेट ये दोनों के बीच की रेट है. अगर दोनों के बीच की रेट है तो क्या रेट होगी? वो रेट ये है, और ये फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने. I have used the formula for calculation of IRR. IRR is that rate of interest
जो इनफ्लो और आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को इक्वल बनाता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके वजह से, अरे सेलर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है, ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग चलती है। सेलर ने अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कलेक्शन किया होगा तो 6% में इंटरेस्ट हटा के उसको प्रेजेंट वैल्यू 1,62,700 आ रही है, जबकि उसने एसेट जो दिया हुआ है आज फर्स्ट डे पे एसेट दिया हुआ है 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख का एसेट बाहर जा रहा है उसको बोलते हैं आउटफ्लो, और जो पैसा आ रहा है वो सब में से इंटरेस्ट हटा के जो वैल्यू आई उसको बोलते हैं इनफ्लो। ये इनफ्लो है प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, और ये डिफरेंस आ गया। लेकिन जब वो 12% से देखता है तो इनफ्लो खाली 148,569 ही है, जबकि एसेट 1.5 लाख का है, तो ये उसका डिफरेंस है। ये 11.39 वो रेट है जहां पे एसेट 1.5 लाख रुपए का दिया, और जब वो प्रेजेंट वैल्यूज निकाल के इनफ्लो चेक करेगा तो वो भी 1.5 लाख आएगा। इसका मतलब है ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो उसने ऐड कर करके इंस्टॉलमेंट्स बनाई थी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में से जब वो इंटरेस्ट हटाता है तो 1.5 लाख बन जाता है। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें जो उसने ऐड करके पहला 50,000 बोला था, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऐड करके उसने बोला था ये 50,000 में मेरा जो इंटरेस्ट है वो 11.39 है, इसमें 11.39 दो साल का है, इसमें 11.39 तीन साल का है, इसमें 11.39 चार साल का है। तो जब तुम 11.39 निकालोगे तो ये 1.5 लाख आ जाएगा, 1.5 लाख आ जाएगा। ऑफ कोर्स मैंने 11.39 लिया, इफ आई टेक ऑल डेसिमल्स देन आई गेट एग्जैक्ट सेम आंसर, ऑल डेसिमल्स नहीं दिया तो लास्ट ईयर को बैलेंसिंग फिगर कर लूंगा, बट कॉन्सेप्ट तो समझ गया। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट इन डेप्थ? तुमको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझा क्या? श्योर? सो मैं यहां पे लिख देता हूं 11.39%, ये हमने वर्किंग नोट नंबर 1 से कैलकुलेट किया है। और अब मेरे को एक चीज मालूम पड़ गई है कि मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को टोटल ऑफ कैश प्राइस मालूम है और मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम पड़ गया है। मेरे को टोटल ऑफ कैश प्राइस मालूम पड़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम पड़ गया, तो आई कैन फॉलो डायरेक्ट मेथड। बोलो बच्चों समझा क्या? आई कैन फॉलो डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना? फिर डायरेक्ट मेथड करके मैं अकाउंटिंग कर लूंगा। एक ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ, उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे।